दूल्हों को तो घोड़ी पर चढ़कर दुल्हन के द्वार पर पहुंचते देखा होगा, लेकिन अब हम आपको इंदौर की एक अनोखी शादी दिखाने जा रहे हैं जहां दुल्हन घोड़ी पर चढ़कर पहुंची। इंदौर के शर्मा परिवार ने राजस्थानी परंपरा को निभाते हुए अपनी बेटी का बाना एक नए अंदाज में निकाला, जिसमें दुल्हन पूजा शर्मा हाथ में बंदूक लेकर घोड़ी पर बैठी। परदेशीपुरा के रहने वाले शर्मा परिवार में बेटी की शादी थी। पूजा के पिता अशोक शर्मा ने अपनी बेटी की ख्वाहिश को पूरा करते हुए उसे घोड़ी पर बैठाया और उसके हाथ में बंदूक भी थमा दी। पूजा पेशे से इंटीरियर डिजाइनर है और आर्टिस्ट है। इस कार्यक्रम में शामिल हुई महिलाओं ने गुलाबी साफा बांधा हुआ था और हर कोई शादी के जश्न में यहाँ डूबा हुआ नजर आया। शर्मा परिवार के मुताबिक उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को बेटे से कम नहीं मानते हैं और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। पूजा के मुताबिक बहुत कम परिवार अपनी बेटियों को बेटे की तरह रखते हैं। हम समाज को एक संदेश देना चाहते थे, एक मिसाल पेश करना चाहते थे, उसी वजह से ये पूरा कार्यक्रम रखा था। ये देना चाहूँगा कि भैया लड़के का भी हमेशा आगे बढ़ाएं, उसकी ख्वाहिशें पूरी करें, अपने पारंपरिक काम है उसको आगे बढ़ाएं। हम तो हमारे राजस्थान का जो रिवाज था उसको आगे बढ़ाया। मैंने मम्मी के फोटोग्राफ्स देखे थे एल्बम में, तो बस उसको देख के मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी आप ऐसे कैसे घोड़े पे जा रही हो। मम्मी बोलती कि बेटा मेरे पापा ने मुझे घोड़े पे बिठाया, ये अपना राजस्थान का कल्चर है कि लड़कियां भी घोड़े पे बैठती हैं। मैंने मम्मी से कहा यहाँ MP मालवा में तो कुछ होता नहीं है ऐसा, मुझे भी ऐसा करना है। मम्मी बोलती बात करते हैं घर पर। भैया पापा से बात किया, भैया मान गए, भैया ने मेरा बाना इतने शान से निकाला।